अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू के लिए जा रहा हूं क्यू मोबाइल E3 ड्यूल वेरिएंट का। और मे बी आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे हो कि क्या ये क्यू मोबाइल की वही डिवाइस का अपर वेरिएंट है जो कि क्यू मोबाइल की एक फीचर फोन डिवाइस थी E3 के नाम से। तो मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्यू मोबाइल की एक स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके अंदर सारे फीचर स्मार्टफोन डिवाइस के ही अवेलेबल हैं। वो सिर्फ क्यू मोबाइल की एक फीचर फोन में E3 डिवाइस थी, जबकि ये एक स्मार्टफोन डिवाइस है। तो आइए मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा ओवरऑल। सो मेरी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर भी है, जिसकी वजह से मे बी स्मार्टफोन डिवाइस का नाम भी ड्यूल है, वो स्मार्टफोन डिवाइस का कैमरा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बैक पर आपको बैक कैमरा दो मिल रहे हैं, जिसके दो डिफरेंट लेंसेज हैं, जिनमें से एक लेंस 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के साथ और दूसरा लेंस इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड का लेंस है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस कैप्चर करता है, यानी कि आप अगर किसी स्पेसिफिक थोड़े डिस्टेंस पर रहकर कोई इमेज कैप्चर करना चाहते हैं पोर्ट्रेट मोड पर, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड को डिफ्यूज़ करता है, यानी कि DSLR से खींची हुई पिक्चर की लुक देता है। हॉल तो उसका रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा कि DSLR के लेवल का हो, लेकिन स्टिल आपको काफ़ी कम बजट में एक ऐसी डिवाइस मिल रही है जिसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा मिल रहा है। और फिर सेकेंडली मुझे स्मार्टफोन डिवाइस का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे याद है कि मोबाइल के जो कि पहले स्मार्टफोन आया करते थे उसके अंदर डिज़ाइन बहुत पुरानी स्मार्टफोन डिवाइस की लुक देता था, बेजल साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। लेकिन अब मैंने नोट किया कि मोबाइल ने डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से एक तो इनके स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी हो गए, दूसरा तकरीबन आजकल के लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइसेस की लुक भी आती है इनमें। और फिर से एक और अच्छी बात इस स्मार्टफोन डिवाइस की, मुझे इसका GPU का चिपसेट लगा है, क्योंकि ऑल्दो माली का चिपसेट को इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन स्टिल इसके अंदर गेमिंग के दौरान मुझे बिल्कुल भी इशूज़ नहीं हुए थे। बल्कि इवन जब आप AnTuTu बेंचमार्क का 3D टेस्ट टूल प्ले करके देखेंगे उसके अंदर भी आप देख सकते हैं बाकी स्मार्टफोन की बनस्पत जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड है, यानी कि अराउंड 3-4 फ्रेम्स पर सेकंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में इनफ है। लेकिन व्यूअर्स एक बहुत बड़ा कॉन जो कि मैंने फील किया स्मार्टफोन डिवाइस का वो ये है कि इसकी बैटरी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि 2500 mAh की बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली आजकल के लिहाज से देखा जाए तो अराउंड 3000 mAh की बैटरी तो आई थिंक होनी चाहिए थी, क्योंकि 2500 mAh आई डोंट थिंक बिल्कुल भी इनफ होगी। तो व्यूअर्स अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका स्लिम है और इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहेगी स्मार्टफोन डिवाइस। इसके टॉप पर इसका ऑडियो जैक यानी कि 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड आपको इसके बैक पर इसके टॉप पर इसके ड्यूल कैमराज मिल रहे हैं और इसके साथ इसकी फ्लैश लाइट, और अगर बॉटम में देखा जाए तो आपको ऑर्डिनरी USB माइक्रो USB का पोर्ट मिल रहा है, USB टाइप सी तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पर आपको इसका माइक, राइट साइड पर आपको इसके स्पीकर्स मिल रहे हैं, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको इसकी सिम स्लॉट्स मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ आप अगर एट अ टाइम दो सिम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को नहीं एक्सपेंड कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने इसकी मेमोरी कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको एक सिम स्लॉट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर हाइब्रिड की स्लॉट अवेलेबल है। और ऑन दी अदर हैंड अगर इसके फ्रंट की तरफ देखा जाए तो मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर आपको 5.2 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं बेजल साइज़ ने आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर की हुई है, तो थोड़ी सी यूज़लेस सी स्पेस है, बेजल साइज़ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आई थिंक अगर वो इसके डिस्प्ले में यूटिलाइज हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता, जैसे कि क्यू मोबाइल की अभी क्यू इन्फिनिटी डिवाइस आई थी उस तरह का डिस्प्ले अगर आपको मिल जाता तो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। और इसके डिस्प्ले के बॉटम में ही आपको इसका होम बटन जो कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है वो आपको मिल रहा है, और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन एवरेज से अबव है, अबव एवरेज इसकी स्पीड है। तो फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिटेल स्पेक्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 7.0 यानी कि नॉगेट अवेलेबल है, और उसके साथ साथ इसके अंदर चिपसेट का मॉडल MediaTek का 6737 आपको मिल रहा है, और GPU का चिपसेट इसके अंदर माली का 720 है, जिसकी फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्राइस रेंज में आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मार्टफोन डिवाइस है जिसकी फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंट है। और इसके अलावा इसके अंदर रेजोल्यूशन आपको डिस्प्ले का HD मिल रहा है, यानी कि 720x1280 का रेजोल्यूशन है, और उसके साथ साथ अगर हार्डवेयर में देखा जाए तो आपको रैम 3GB मिल रही है और रोम इसके अंदर आपको 16GB मिल रही है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 128GB तक थ्रू माइक्रो SD कार्ड।
लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, रैम ऑल तो इसके अंदर 3GB है, लेकिन उसमें से 1GB जो सी है वो सिस्टम ने यूटिलाइज़ की हुई है, यानी कि आपको सिर्फ 2GB की रैम मिलती है। लेकिन स्टिल आई थिंक 2GB की रैम इनफ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस तो नहीं आपने एट अ टाइम रन करनी होती, तो 2GB आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और इसके अलावा आपको 1.4GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि स्टिल आई थिंक इस प्राइस रेंज के लिहाज से ठीक है। और व्यूअर्स, अगर बात की जाए इसके कैमराज के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ आई थिंक क्यू मोबाइल की ये पहली स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके अंदर कैमराज में आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। स्पेशली इसके अंदर आई थिंक क्यू मोबाइल की ये फर्स्ट स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड का लेंस भी मिल रहा है। तो कैमराज इसके एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका बैक कैमरा एक 13 MP का है, दूसरा 8 MP का है, और इसका फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का मिल रहा है। और इन दी एंड ऑफ दिस रिव्यू आप इसके कुछ सैंपल्स देख सकते हैं, और उनसे आप इसकी पिक्चर क्वालिटी का अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकेंगे। और बैटरी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको स्लाइटली कम मिल रही है, यानी कि 2500 mAh की बैटरी, आई थिंक ये इसका एक बहुत बड़ा कॉन है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर इसके सेंसर्स के बारे में बात की जाए, तो मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर आपको ऑर्डिनरी सेंसर्स, यानी कि नॉर्मल सेंसर्स जो कि प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर और अप्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, इस तरह के तकरीबन सेंसर्स मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स, जो कि एक्स्ट्रा सेंसर्स होते हैं बड़ी स्मार्टफोन डिवाइसेस में, वो आपको स्मार्टफोन डिवाइस में नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको तकरीबन सारे सेंसर जो कि एक अच्छी स्मार्टफोन डिवाइस में होने चाहिए, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। ये था क्यू मोबाइल E3 ड्यूल वेरिएंट का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में। सो व्यूअर्स, अगर मैं एंड कंक्लूजन दूँ इस डिवाइस के बारे में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्मार्टफोन डिवाइस, स्पेशली अगर आप कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी डिवाइस परचेज करना चाहते हैं जो कि आपको कम बजट में अच्छी पिक्चर्स प्रोवाइड करे, तो आई थिंक तब आपको स्मार्टफोन डिवाइस परचेज करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप कोई बहुत एक्सट्रीम हाई एंड गेम्स एक्सपेक्ट करें स्मार्टफोन डिवाइस से, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई ग्राफिक पे गेम खेलना चाहते हैं, तब आई डोंट थिंक यू शुड बाय दिस स्मार्टफोन डिवाइस। लेकिन अदरवाइज कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से और कैमरा के अंदर फीचर्स अच्छे हैं, और अपने बजट के अंदर रहते हुए इसके अंदर रैम रोम भी आपको अच्छी मिल रही है, तो आई थिंक ये स्मार्टफोन डिवाइस अपनी प्राइस के लिहाज से अबव एवरेज है। सो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।